मैं ज्योति आले, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फेस्टिव सीजन है और सभी अपने घरों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा DIY। ये जी मैंने लिया सीमेंट, पानी, अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मेरे पास सारा सामान घर में अवेलेबल था। यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसका खर्चा बहुत ही कम है दोस्तों। 5 रुपये 10 रुपये किलो सीमेंट है और PVC पाइप भी 5-6 रुपये फुट के हिसाब से मिलता है। इस तरह का तैयार कर लेना है। और मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में पहले ही ऑयल लगा लिया था, ये देखिए। अब इसमें डाल देंगे इस वाले पेस्ट को पूरा का पूरा। इसको अच्छी तरह से मैंने टैप कर लिया। और ये लिए हैं मैंने तार के कुछ टुकड़े, इनको बीच में डाल देंगे। बेस को मजबूत करने के लिए मैंने कुछ तार के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें ये कितना खूबसूरत बनके तैयार होता है। इन स्टैंड को आप मल्टीपल रूप से यूज कर सकते हैं। ये इस तरह तैयार हो गया। मैंने पहले एक ये इस तरह का तैयार कर चुकी थी और इसके नीचे का बनाना है। ये ऊपर का हिस्सा है। अब इस पर मैंने PVC पाइप लगाया था बीच में और इसके बिल्कुल सेंटर में रख देंगे उस पेस्ट के, कुछ इस तरह से। और साइड साइड से सपोर्ट दे दिया है मैंने ताकि ये हिले डुले ना। मुझे एक और बनाना है स्टैंड, तो इसके लिए लिया मैंने ये थोड़ा बड़ा वाला छन्नी टाइप का बर्तन था मेरे पास में। अब इसमें है छेद, तो इसको बंद करने के लिए लिया मैंने टेप और इसमें पूरा इसको कवर कर देंगे ताकि जो सीमेंट का घोल हो वो बाहर को ना निकले। तो इसको कुछ इस तरह से सारा स्टिक कर दूंगी मैं। फ्रेंड्स, हमारे घरों में इतना कुछ कबाड़ होता है जो हम उसको दोबारा रीयूज़ करके बहुत ही सुंदर आइटम बना सकते हैं। तो मेरे पास में ये PVC पाइप पड़ा हुआ था, कुछ सीमेंट पड़ा हुआ था जो ख़राब होने वाला था, तो उसी को यूज़ करके मैंने अपनी ज़रूरत के लिए ये छोटे छोटे से स्टैंड बनाने की कोशिश की है। तो जी भाई, ये हो चुका है पूरा कवर। अब बस वही प्रोसेस फिर से करना है। सीमेंट का मैंने घोल बनाया है और इसको अच्छी तरह से टैप कर लिया है ताकि ये एक बराबर हो जाए। फिर से लिए तार के कुछ टुकड़े ताकि इसका बेस मजबूत रहे, टूटे ना, क्योंकि हम ये सिर्फ सीमेंट से तैयार कर रहे हैं, इसमें हमने रेत मिक्स नहीं किया है, तो इसलिए मैं कुछ लोहे के टुकड़े डाल रही हूँ। अब लिया मैंने ये PVC पाइप और इसको बिल्कुल सेंटर में रख दिया है। सपोर्ट के लिए मैंने कुछ लकड़ी के फट्टे और कुछ ईंट के रख के मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है ताकि ये बिल्कुल हिले डुले नहीं, और रख देंगे इसे सूखने के लिए 24 घंटे। तो दूसरे दिन मैंने फिर इसको निकाला। ऑयल लगाने की वजह से ये देखिए बड़े आराम से निकल जाता है और देखिए कितना सुंदर निकला है ये। ये देखिए, ये मेरा छोटा वाला स्टैंड है और वो थोड़ा उससे बड़ा है। ये मेरे पास बेकार PVC पाइप पड़े थे तो उनको ही मैंने यूज़ किया है, और ये सीमेंट भी ख़राब होने वाला था तो मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया इसको। ये देखिए कितना सुंदर निकला है ये। अब इसका नीचे का बेस बनाना है, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसा हमने पहले किया। और ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर निकला है। अब करना है ये वाला डिब्बे का, मैं बनाऊँगी इस साइज़ का, इसका बेस बनाऊंगी। अब इसके बेस के लिए फिर से वही प्रोसेस करना है। सीमेंट, पानी का घोल, गाढ़ा घोल तैयार करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने कुछ तार के टुकड़े पहले काट के रखे हुए हैं और ये लिया मैंने तार, इसमें बिछा दिया बस। और इसके ऊपर रख देंगे हम अपना ये वाला हिस्सा और इसको भी उसी तरह से सेट कर देंगे और रख देंगे सूखने के लिए। 24 घंटे के बाद का रिज़ल्ट देखिए ये है। इसका भी बेस तैयार हो गया है और इसका भी बेस तैयार हो गया, और डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको निकालने के बाद दोस्तों मैंने 2-3 घंटे पानी में डुबो के रख दिया था। अब इसके बाद ये सूखने के बाद इसको थोड़ा रेगमार से हल्का हल्का जहाँ अनइवन एरिया है उनको थोड़ा सा स्मूथ कर लिया। अब कर रही हूँ मैं इसमें कलर। Thank you.
तो जी भाई मेरे दोनों स्टैंड पेंट हो चुके हैं, मैंने वाइट कलर में किया है। अब इसमें थोड़े से डिज़ाइन हैं तो इनको थोड़ा और प्यारा लुक देते हैं, तो मैंने क्या इनमें जो ये डॉट्स बने उसको कर दिया पूरे रेड रेड कुछ इस तरह से। ये हो चुका है तैयार और लग रहा है ना खूबसूरत। तो ये देखिए घर में मैंने दो स्टैंड तैयार कर लिए हैं, इसको इस ऐसे ही रहने दूंगी। ये पाइप को भी कलर कर लिया है। अब ये स्क्वायर वाले को मैं थोड़ा सा टेप लगा के थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन बनाऊंगी, तो कुछ इस तरह से लाइनें बना ले रही हूँ मैं, सारे टेप चिपका दूंगी इसमें। मैंने कुछ इस तरह के लाइनें बना ली हैं, अब इसके ऊपर पूरा कर देंगे कलर। और चलिए कलर भी कर लेते हैं और देखते हैं कैसा बन के तैयार होता है। दोस्तों मेरा दिवाली वाला धमाका अभी आने वाला है, यानी कि स्पेशल DIY बाकी है, तो मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं बहुत जल्द से जल्द सारे DIY कंप्लीट करना चाह रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अभी अभी दशहरा गया है और दीपावली भी इसी मंथ में है, तो मैं सारे के सारे DIY जल्द से जल्द कर लेना चाहती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है, लग रहा है कितना खूबसूरत। ये दोनों मेरे टेबल तैयार हैं, इनको टेबल ही कहूँगी, छोटे छोटे से टेबल है। आप इनको गार्डन में रखिए चाहे अपने लिविंग रूम में रखिए, देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। आज का DIY आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।